राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस और ईडी अलायंस को घेरा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है, संविधान की पीठ में छुरा घोंपा है। मोदी ने कांग्रेस के सारे वादे इरादों की पोल खोल दी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को खरगोन और धार में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और ईडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन वाले अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस लोकसभा चुनाव में एक महीने के अंदर एमपी का ये सातवां दौरा है। वे एमपी में अब तक 8 जनसभा और 2 रोड शो कर चुके हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।